हेलो गाइस, कैसे हो आप सब दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा और सीखने को जरूर मिलेगा। इसमें ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंजेक्शन मोल्डिंग में, समझ लो एक उसका हाथ इंजेक्शन मोल्डिंग का, इसके बेस पर ही हम इंजेक्शन मोल्डिंग में प्रोसेस करते हैं। ये डिपेंड रहता है रॉ मटेरियल पर कि उसके हिसाब से हम कैसे सेटिंग करें। हम आज बात करने जा रहे हैं बैक प्रेशर और सक बैक। इंजेक्शन मोल्डिंग में बैक प्रेशर और सक बैक क्या होता है, इस पे हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा मैं कि कैसे इसका वर्क होता है और हम इसको कैसे सेट करते हैं और किसके बेस पे हम इसको सेट करते हैं, वो आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में। जो हमारे लिए नए हैं, हमारे चैनल के लिए नए हैं, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें पहले, ताकि मैं जो भी इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचती रहे, अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना प्लीज, और लाइक कमेंट जरूर करना, और हमें ये बताना कमेंट करके कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और इसमें क्या सीखने को मिला, और नेक्स्ट वीडियो हम किस बेस पे बनाएं इंजेक्शन मोल्डिंग में, जो आप लोगों को पसंद भी आए और आप सीखना चाहते हैं उस पे। अब ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि इसका पर्पज क्या रहता है और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं और इसको कैसे सेट करते हैं। चलो आप, आओ हम पहले बात करते हैं बैक प्रेशर की। बैक प्रेशर क्या होता है? बैक प्रेशर रिफ्रेस टू द प्रेशर डैट द स्क्रू हैज टू ओवरकम ड्यूरिंग इट्स रिटर्न एक्शन आफ्टर इंजेक्टिंग मटेरियल। यानी जब इंजेक्शन हो जाता है, तब उसके बाद जब स्क्रू रिटर्न होता है वापस, तब एक प्रकार का प्रेशर जनरेट होता है, इसे ही बैक प्रेशर कहते हैं। बैक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड प्लास्टिसाइजिंग प्रेशर। बैक प्रेशर से क्या होता है कि मटेरियल बैरल में अच्छे से प्लास्टिसाइजिंग होता है और मिक्सिंग होता है। बैक प्रेशर से पार्ट लेंथ, वार्पेज, सिंकेज, सिल्वर, शॉर्ट मोल्डिंग, कुशन को कंट्रोल करना या मेंटेन रखना, ये बैक प्रेशर से कई प्रकार के डिफेक्ट्स भी दूर कर सकते हैं हम, इंक्रीज करके और डिक्रीज करके बैक प्रेशर को। आओ अब देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में बैक प्रेशर कैसे वर्क करता है और क्या होता है। देखो इंजेक्शन होना स्टार्ट हो गया है, जिसका कि शॉर्ट साइज 30 है और बैक प्रेशर 8 है। इंजेक्शन हो गया पूरा प्रॉपर, ऊपर लग रहा है इंजेक्शन प्रेशर। अब जब चार्जिंग होना शुरू हो गया है, तब लगेगा बैक प्रेशर। इधर अब चार्जिंग स्टार्ट हो रहा है, बैक प्रेशर देखिए ऊपर लग रहा है। देखो इसी को कहते हैं बैक प्रेशर। इंजेक्शन होने के बाद बैरल में जनरेट होता है, वही बैक प्रेशर है। ऊपर देखो आगे कभी 5 और कभी 6 आ रहा ना, वही। आओ अब बात करते हैं सक बैक क्या होता है इंजेक्शन मोल्डिंग में। सक बैक इज अनदर टर्म ऑफ डीकम्प्रेशन। बेसिकली इट मूव्स द स्क्रू स्ट्रेट बैक टू ए सेट पॉइंट टू कीप प्रेशर आउट ऑफ द टिप ऑफ द बैरल। इंजेक्शन के बाद जब स्क्रू रोटेट होता है, तो बैरल के बिल्कुल आगे नोजल टिप के पास में मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, उसको पीछे सक करने के लिए जो प्रेशर लगता है उसे सक बैक कहते हैं। इस कंडीशन में स्क्रू बिना रोटेट हुए थोड़ा सा पीछे हट जाता है जब हम बैक प्रेशर देते हैं तब। अब ड्रोलिंग में कैसे वर्क करता है ये देखो। नोजल के पास जो ड्रूलिंग हो रहा होता है उसे सक कर लेता है और ड्रूलिंग होने से बचाता है। तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मेरा? आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।